लॉकडाउन का पहला और दूसरा चरण खत्म हो चुका है और 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण यानी लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है। इस चरण में सरकार ने तमाम तरह की ढील दी है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ गई है। ऐसे में राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया है। राज्यों की कमाई के लिए पेट्रोल डीजल एक अहम जरिया है, इसलिए राज्य सरकार इस पर टैक्स बढ़ाकर नुकसान की भरपाई कर रहा है। राजधानी दिल्ली में शराब के बाद सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल और शराब के दाम बढ़ाने के बाद अब यूपी में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपी में दिल्ली से सस्ती शराब बिक रही है। वहीं डीजल भी यूपी में दिल्ली से सस्ता है, लेकिन पेट्रोल के दाम यूपी में दिल्ली से ज्यादा है। तो आइए देखिए यूपी और दिल्ली में पेट्रोल डीजल और शराब की क्या है दाम। केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल की कीमत 1.67 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है, जबकि डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाई गई है। साथ ही दिल्ली में शराब के दाम में 70% की बढ़ोतरी की है, यानी जो बोतल अब तक 1000 रुपए की मिल रही थी अब उसके लिए 1700 रुपए चुकाने पड़ेंगे। वहीं यूपी में योगी सरकार ने वैट बढ़ाते हुए डीजल 1 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। वहीं पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी गई है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद यूपी में अब पेट्रोल 73.91 प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 63.86 प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा शराब भी महंगी हुई है। देसी शराब पर 5 रुपए बढ़े हैं, तो वहीं विदेशी शराब 180 ml तक 10 रुपए महंगी हुई है। न्यूज डेस्क।